तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि अगस्त में लगातार आपको ढेरों फूल देने वाले हैं। और नर्सरीज में भी आजकल ये सारे जो पौधे हैं वो बहुत ही कॉमनली मिलने लगे हैं। तो जो पहला पौधा है इस लिस्ट का, वो आप देख सकते हो, ये है गुड़हल। और ये गुड़हल ट्रॉपिकल हिबिस्कस है, उसमें जो है सीड भी बनते हैं। और इसे जो है नर्सरी वाले आजकल भिंडी गुड़हल के नाम से जो है सेल कर रहे हैं। तो इसके पत्ते भी आप देख सकते हो कि भिंडी के तरीके से, और बड देख सकते हो कितनी ढेर सारी इसमें आ रही। तो एक साथ में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्लांट है वो है अपराजिता। अपराजिता में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं और आजकल बहुत ही प्रिटी प्रिटी शेड्स में भी है आजकल नर्सरीज में मिलने लगे हैं, तो इन्हें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आइजोरा देख सकते हो आप कि काफ़ी गुच्छों में इनमें फ्लावरिंग होती है और बहुत ही सुंदर रहता है। और बेस्ट बात तो ये होती है कि एक बंच की लाइफ काफ़ी अच्छी होती, 2-3 दिन तक ये खिले रहते हैं इसी तरीके से। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कलर ऑप्शन के साथ आपको नर्सरीज में ये प्लांट मिल जाते हैं। तो जो भी शेड आपका फेवरेट हो वो इस टाइम आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला और लगातार ढेरों फूल देने वाला पौधा है ये क्रोसेंड्रा। क्रोसेंड्रा की भी बेस्ट बात यही है कि इसके भी फ्लावर्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं और काफ़ी गुच्छों में इनमें फ्लावरिंग होती है। पूरे बारिश के मौसम मतलब अगस्त में आपको बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग देखने मिलती है और काफ़ी सुंदर सुंदर शेड्स में भी आजकल नर्सरीज में मिल रहे हैं, तो इन्हें भी आप इस समय ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट है ये फर्स्ट लव प्लांट। और फर्स्ट लव प्लांट की भी यही बात अच्छी लगती है मुझे कि इसके फ्लावर्स भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसमें आपको रेड और येलो शेड मिल जाता है और इसके जो पौधे होते हैं आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो बारिश के मौसम में। पर बेहतर ये होता है कि आप एक हाइब्रिड वैरायटी का, ये क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी का ही मेरा है फर्स्ट लव प्लांट और इसमें हाइब्रिड में ज़्यादा नंबर्स में फ्लावरिंग देखने मिलती है, तो इस समय आपको नर्सरीज में ये पौधे बहुत ही कॉमनली मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट है बहुत ही हैवी ब्लूमर, वो है एलमेंडा। एलमेंडा बहुत ही प्रिटी प्रिटी शेड्स में आजकल नर्सरीज में मिल रहे हैं। इसके अलावा प्लम्बैगो को आप ज़रूर ऐड कर लें, अगर आपके नियर बाय नर्सरीज में ये पौधा बिल्कुल भी आपको दिख ही जाता है तो सही समय चल रहा है कि आप इसे भी गार्डन में ऐड कर लें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर्स में और गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा नेक्स्ट प्लांट बहुत ही कॉमन सा है जो कि है मैक्सिकन पिटूनिया। तो मैक्सिकन पिटूनिया का कोई भी शेड हो, पर्पल हो, वाइट हो, पिंक हो, सभी बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। फ्लावर्स की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, हर फ्लावर एक ही दिन की इसकी लाइफ होती है, पर इसमें काफ़ी नंबर्स में फ्लावरिंग होती रहती है पूरे अगस्त। इसके अलावा आप रोजेलिया फ्राई क्रैकर प्लांट को ऐड कर सकते हैं। फ्राई क्रैकर में आपको मिल जाता है एक ये रेड वाला शेड और एक येलो शेड आता है, दो शेड में ये आते हैं। और बेस्ट बात ये होती है कि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और आप देख सकते हो ये जो गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, काफ़ी दिनों तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग और लगातार फ्लावरिंग करने वाला पौधा है रेन लिली। रेन लिलीज में काफ़ी नंबर्स में फ्लावरिंग होती रहती है पूरे जुलाई अगस्त बारिश के मौसम में, और इसमें बहुत भी ब्राइट ब्यूटीफुल आजकल कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने रेन लिलीज ऐड नहीं किए या जो भी शेड ऐड नहीं किया है इस बारिश के मौसम ज़रूर ऐड कर लें। फिर नेक्स्ट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग और गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है चंपा। चंपा, नाग चंपा, इन सभी में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती रहती है पूरे अगस्त जुलाई अगस्त के मंथ्स में। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्लांट आप ये देख रहे हो ये है लंटाना। लंटाना कैमरा अगर आप लेते हो, क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी के लंटानाज होते हैं, इनमें आपको शेड भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही ज़्यादा होती रहती है पूरे बारिश के मौसम। तो अभी तक अगर आपने लंटाना नहीं लगाया है या हाइब्रिड वाला नहीं लगाया तो हाइब्रिड वाला ज़रूर लगा लें। इसके अलावा नेक्स्ट जो कि बहुत ही हैवी ब्लूमर और लगातार फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है वो है ये मोगरा। मोगरा आजकल काफ़ी सारे वैरायटीज में मिल रहा है, डबल पेटल में, सिंगल पेटल में, तो जो भी आपका फेवरेट वैरायटी हो वो इस समय आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो कि बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला लगातार फ्लावरिंग करने वाला पौधा है वो है कनेर। हाइब्रिड कनेर जो है गमले में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग करते हैं कंपैरिजन में देसी कनेर के। तो अगर आप लोग जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप प्रेफर करना कि हाइब्रिड कनेर ही आप लगाओ, इसमें आपको ज़्यादा नंबर्स में फ्लावरिंग देखने।
इसके अलावा इस समय आप लोरोपेटलम, चाइनीज़ फ्रिंज, आजकल नर्सरीज बहुत ही जो है कॉमनली पौधे मिल रहे हैं। और इस प्लांट की बेस्ट बात ये होती है कि इसमें जो है फ्लावरिंग जो है पूरे पौधे में आपको एक साथ खूब ढेर सारे फ्लावर बंचेस में देखने में मिलते हैं, और काफ़ी अच्छी इनकी लाइफ होती है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं लगाया तो ज़रूर लगा लें। फिर नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है टेक्सस सेज, टेक्सस रेंजर, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं इस पौधे के। और ये पौधा जो है जुलाई से लेके अगस्त में बारिश के मौसम में ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है, लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। तो ये पौधा भी बिल्कुल मस्त हैव है। इसके अलावा आप जो है मालती बेल लगा सकते हो, मालती बेल गमले के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। आप देख ही सकते हो कि मैंने इस प्लांट को पॉट में लगा रखा है और पॉट में कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ज़्यादातर लोग जो आजकल टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए ये मालती बेल बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन रहता है। फिर नेक्स्ट लगातार फ्लावरिंग करने वाला है प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया में भी जो है हाइब्रिड वैरायटी के जो प्राइड ऑफ इंडिया हैं वो गमलों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा आप मधुकामिनी भी गमले में लगाने वाला लगा सकते हो। मधुकामिनी में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है बारिश के दिनों में, मतलब जुलाई अगस्त में इसमें आपको बहुत हैवी फ्लावरिंग देखने मिलती है। वैसे गर्मियों में भी इसमें फ्लावरिंग होती है पर बारिश में ज़्यादा नंबर्स में होती है। इसके अलावा आप जो है एरांथमम लैक्सीफ्लोरम या फिर शूटिंग स्टार प्लांट को भी लगा सकते हैं। पिंक तगड़ के नाम से भी इसे नर्सरीज में माली लोग बोलते हैं, इसे पिंक तगड़ भी बोलते हैं या पर्पल तगड़, और बहुत ही अच्छे नंबर्स में इसमें फ्लावरिंग होती है और इसके फ्लावर्स भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग प्लांट है हमारा हाइब्रिड अडेनियम। हाइब्रिड अडेनियम में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर शेड्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने अपनी खुद की वीडियोस में कई सारे आपको नर्सरी विजिट वाली वीडियोस में दिखाए भी हैं। तो अगस्त में काफ़ी अच्छी नंबर्स में इसमें भी फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा आप डॉर्फ या मिनिएचर चांदनी को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ही छोटे छोटे स्टार की तरीके के फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी नंबर्स में आते रहते हैं, गुच्छों में इसमें भी फ्लावरिंग होती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है और बेस्ट बात तो ये होती है कि नर्सरीज में ये सस्ते भी मिलते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है बहुत ही खूबसूरत हमारा टिकोमा। टिकोमा आजकल बहुत सारे शेड्स में और कलर्स में नर्सरीज में मिल रहे हैं, जैसे ये येलो वाला आप देख रहे हो, ये भी मैंने कुछ टाइम पहले ही नर्सरी से ला के गार्डन में ऐड किया है। इससे पहले मेरे पास पिंक और ऑरेंज थे, और इसमें भी आप देख सकते हो छोटे से पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगस्त मंथ में ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है, जुलाई चल रहा है आप देख सकते हो, रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है, कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा सैकड़ों फूल देने वाला जो ये पौधा है ये है चाइना डॉल। इसे हाइब्रिड कामिनी के नाम से माली लोग नर्सरीज में आजकल सेल कर रहे हैं, और ये भी मैं अभी कुछ टाइम पहले ही लेके आई हूँ। छोटा सा पौधा बिल्कुल लेके आई थी, इतना छोटा था कि मुझे लगता था इसके सर्वाइव करने के चांस भी कम है, पर अभी आप देख सकते हो मौसम का असर इसके ऊपर कितने अच्छे से हुआ है, कितने अच्छे से ये ग्रो हो गया है और इसमें बर्ड्स भी आ गई हैं, बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा मॉस रोज, पर्सलेंस बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग करते रहते हैं थ्रू आउट जुलाई अगस्त, जब तक गर्मी चलती रहती है फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।